कांग्रेस नेता घनश्याम तिवाड़ी दौसा दौरे पर रहे, जहां तिवाड़ी ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा के पक्ष में वोट मांगे हैं और साथ ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिवाड़ी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तिवाड़ी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए 50 साल का जीवन भाजपा के साथ बिताने के बाद कांग्रेस का दामन थामा है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव। इस समय हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व भी संकट में है। हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व भी संकट में आया। हमने देखा कि सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी रात को छापा डालकर उसको बंद किया गया। जो जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं उन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार वर्तमान भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये संस्थाएं अगर समाप्त होती है या इनकी स्वायत्तता समाप्त होती है तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। तो लोकतंत्र के अस्तित्व की रक्षा का सवाल ये है, इसलिए हम इस चुनाव को लोकतंत्र की रक्षा के हित में समझकर